कचौड़ियाँ तो आपने कई जगह की खाई होगी, लेकिन जैसी कचौड़ी आज हम दिखाने वाले वैसी आपने कभी नहीं खाई होगी। ये लोग अपनी कचौड़ियों को छोले के साथ सर्व करते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा। तो भैया ये कचौड़ी जैसे मैं देख रहा हूँ, इसमें क्या अलग, क्या बाकी जो दिल्ली में मिलती है सब्जी के साथ, यहाँ की क्या खासियत है? सर ये बहुत हमारा क्या कहते हैं पुराना ही काम है, दादा परदादा भी करते आ रहे हैं। ये वैरायटी है दिल्ली में और कहीं नहीं मिलेगी मटर कचौड़ी की। और ये कब से कर रहे हो आप? सर 40-45-50 साल हो गए। कचौड़ी के अलावा और क्या क्या आपके पास वैरायटी है? सर मटर कुलचे, मटर कचौड़ी है और रायता है। ये देख सकते हैं यहाँ का आप सेटअप, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि बार बार बनते आ रहे हैं और बनते जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। और भैया टाइमिंग क्या रहती है शॉप की? सर सुबह 8:30 से शाम के 5:30 या 6 बजे तक, और सैटरडे संडे का कोई टाइम नहीं है सर, कभी भी ख़त्म हो जाता है। मतलब जब भी आओगे मतलब हमेशा मिल जाएंगे लग रहे हैं। ये देखो भाई कढ़ाई में देखते भाई कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं भाई छोले। तो भैया जैसे कस्टमर की डिमांड आती रहती है वैसे बनते रहते हैं छोले हैं? ऐसे बनाते रहते हैं, जैसे जैसे कस्टमर बताता है, कोई बिना मिर्ची खाता है, कोई बिना मसाला खाता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई नमक ही खाता है। तो उसके अंदर अभी क्या क्या डालोगे? इसमें पहले पीली मिर्च डालते हैं, उसके बाद गरम मसाला डालते हैं, और काला नमक और सफ़ेद नमक मिक्स करके डालते हैं। ये तीन चीज़ पड़ती है। हाँ कम ज़्यादा खाना हो स्पाइसी तो उसको मैं अलग से फिर बना के देता हूँ, जैसे कोई मांगता है कोई बिना मिर्ची मांगता है, कोई बिना मसाला मांगता है। जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो प्याज का अभी यूज़ कर रहे हैं इसमें? प्याज जैसे सेपरेट रख रहे हैं इस समय। अभी क्या है कि कोई कस्टमर ऐसा होता है कि प्याज खा लेता है, कोई होता ऐसा होता है कि खाता ही नहीं बिल्कुल, तो उस वजह से क्या करते हैं ना कि प्याज हम सेपरेट रख देते हैं या फिर अलग से उसको पैक करके देते हैं जो खाता है, और जो नहीं खाता उसको डालते ही नहीं है। देख सकते हैं ऊपर नींबू आ गया, ये भैया ने धनिया काट रखा है, धनिया डाल दिया ऊपर से। धनिया डालते हैं इसमें, धनिया डालते हैं, अदरक डालते हैं। तो अब तैयारी करते हो सुबह कर लेते हैं? हाँ भैया सुबह इसमें कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है, 4-5 किलो धनिया कटता है एक बार में। देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं छोले यार। तो ये छोले जो है कुलचे में और कचौड़ी में यूज़ करते हैं? हाँ कुलचे और कचौड़ी में डालते हैं, कचौड़ी में थोड़े टाइट छोले बनाते हैं, कुलचे के लिए थोड़े से हल्के ढीले छोले बनाते हैं। ताकि यहाँ पे लोगों की क्या डिमांड रहती है, कुलचे ज़्यादा लोग खाते हैं या कचौड़ी? नहीं दोनों चीज़ खाते हैं, ज़्यादातर जैसे कचौड़ी के ऑर्डर ज़्यादा आते हैं पैकिंग में, पैकिंग ज़्यादा होती हैं ज़्यादा आते हैं, क्योंकि कचौड़ी जो है वो एक टेस्ट के लिए खाता है बंदा, और जो छोले कुलचे होते हैं वो पेट भरने के लिए मतलब बढ़िया है, उससे पेट भी भर जाता है और स्वाद भी आता है। अगर कचौड़ी का ब्रेकफास्ट हो जाए सुबह सुबह दिल्ली का तो मज़ा। छोले बनाए हैं अभी ये मेरे कचौड़ी में भी यूज़ हो जाएंगे, मैं थोड़े से छोले कचौड़ी के लिए निकाल लूँगा और बाकी जो छोले हैं वो मैं कुलचे के लिए हिसाब से तैयार करूँगा। तो ये हो गया भैया तैयार, ये क्या डाल रहे हो ऊपर? अभी ये पुदीना हरा चटनी होती है, पुदीना होता है इसमें, अदरक होता है और इमली होती है, इमली को छान कर उसका पानी निकाल के तब उससे बनाते हैं। अब भीड़ इतनी ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, भैया हमेशा ना फ्रेश बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पुराना माल रखा हुआ है, एकदम फ्रेश तैयार होते रहते हैं। ये देख सकते हैं जैसे आता है वैसे बनते रहता है। तो ये मटर होते हैं छोले होते हैं? ये मटर होते हैं सर, मटर बोला था, बोलते सफ़ेद मटर होती है ये, सफ़ेद मटर जैसे घर में यूज़ करते हैं ना वही वाली होती। ये हो गए तो अभी रेडी हो गए हैं भाई छोले, रेडी हो गए इसमें ऊपर से। इसमें कितनी प्लेट रेडी हो जाती है एक बार में? इसमें एक बार में कम से कम 15 प्लेट रेडी हो जाती है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है यार छोले, साथ साथ में पैकिंग भी करते जा रहे हैं जो ऑर्डर आए हुए भैया के। और भैया छोले कचौड़ी जैसे हैं रेट क्या रहते हैं इनका सब? कचौड़ी की 1 प्लेट 40 रुपये की है, उसमें 3 पीस होते हैं। ठीक है भैया, और ये छोले कुलचे की? कुलचे में 2 पीस होते हैं, वो भी 40 रुपये का है। ये देख सकते हैं ये गर्मा गर्म कचौड़ी बन रही है, ये पेड़े यहाँ पे तैयार हो गए कचौड़ी के। ये किस चीज़ के होते हैं ये पेड़े? मैदे के बन जाते हैं। एक बार में 150 पीस बन जाते हैं मतलब एक कढ़ाई में 150 कचौड़ियाँ तैयार हो जाती है। तो इसके अंदर कोई फिलिंग भी होती है? पिट्टी बनते हैं बेसन की, बेसन की मसाले की पिट्टी होती है मतलब उसके अंदर। तो ये जो खस्ता कचौड़ी होती है सेम वैसे ही होती है? हाँ जी। ये देख सकते हैं यार ये गर्मा गर्म कचौड़ी बन रही है भाई, तैयार हो रही है। तो पूरे दिन में कितनी बन जाती है भैया कचौड़ी ऐसे अंदाजे से? 30 किलो 20 किलो रोज बनती है, 20 किलो भाई साहब लगे रहती है और ये चलते रहता है, काम रुकता नहीं है। ये देख सकते हैं आप ये भैया लगे हुए कचौड़ी बन रही है, रेडी हो रही है, गर्मा गर्म कचौड़ी रेडी हो रही है। देख सकते हैं 3 जने लगे हुए कचौड़ी बनाने में, ये गर्मा गर्म अंदाजा लगा सकते हैं। तो भैया ये अगर मैं लोकेशन कहाँ पड़ती है कुछ बता सकते हो अगर किसी को आना हो तो? कैसा है ये पटेल लग रहा है, झील पार्क के पास कोने की दुकान है। देख सकते हैं झील पार्क के बिल्कुल सामने इनकी शॉप है, ये सामने झील पार्क है, नियर बाय कालिंदी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज की जो लेन है उसी में ही यहाँ पे है कचौड़ी वाले। किस नाम से भैया? जय माँ दुर्गा चाट कॉर्नर। ये कचौड़ी भैया रेडी हो गई गर्मा गर्म एकदम। गाइस देख कितनी सारी कचौड़ी भैया एक बारी में बना रहे हैं, मन कर रहा भाई यहीं खाने बैठ जाऊँ कचौड़ी। क्यों भाई मयूर? मेरे को लग रहा है तो कढ़ाई से सीधा निकलेगी और तो टूट पड़ेगा। कितना टाइम लगता है भैया बनने में? 20 मिनट लगता है, 20-25 मिनट तकरीबन। एकदम करारी कर देते हो भैया, 20 से 25 मिनट लगाते हैं, एकदम करारी कर देते हैं। देखो यार वाह भाई वाह क्या बढ़िया लग रही है यार, एकदम करारी हो गई है कढ़ाई में से अभी निकली है गरम गरम। ओए होए होए सुबह अभी चालू हो जाएगा मेरे को लग रहा है। क्या बताऊँ दिल्ली में अगर सुबह का नाश्ता करना ना तो कचौड़ी अगर हो जाए तो भाई बात ही कुछ हो रहा है। ये देख रहे और दूसरी आ गई, अब दूसरी बननी तैयार हो जाएगी। ये देखो भाई यहाँ पे डिमांड कितनी ज़्यादा कचौड़ी की, ये देख सकते हैं हमारे लग रही है मटर कचौड़ी लग रही है हमारे लिए।
ये देखो भाई, ये भैया ने छोले ले रखे हैं, छोले को ऊपर से भैया ने लगा दिया, ये देख सकते हैं आप। ये भैया ने ऊपर कौन सी चटनी डाल रही है? खट्टी मीठी अमचूर क्या होती है भैया? ये अमचूर चटनी है, और ये ऊपर से भैया ने अदरक की लच्छे डाल दिए, और ये धनिया ऊपर से, ये देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है यार कचौड़ी। ये ऊपर से भैया ने छोले डाल दिए, ये मटर आ गया, और ये लग गई हमारे लिए कचौड़ी मटर वाली। बस आ गई ये मटर कचौड़ी, जो कि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तूने टेस्टिंग कर लिया, बता कैसा टेस्ट है इसका? भाई खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ऐसा पहले कभी नहीं खाई मैंने कचौड़ी। तो जैसी इधर भीड़ लगी हुई है टेस्ट में, वैसी ही है कि ओवररेटेड हो रखा है कुछ? भाई थोड़ा सा डिफरेंट है, कचौड़ी हमने बहुत खाई है आलू के सब्जी के साथ, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल कचौड़ी है, जैसे फतेह की कचौड़ी मिलती है सेम वैसे ही स्टाइल है। चलो मैं भी टेस्टिंग कर ही लेता हूँ। तो गाइस ये आ गई कचौड़ी, और मैं टेस्टिंग करके बताता हूँ क्या टेस्ट आ रहा है इसका। गाइस अगर आपने दिल्ली में फतेहचंद की कचौड़ी खाई है ना, सेम वैसा टेस्ट, मतलब इनके इन्होंने कचौड़ी के ऊपर छोले लगाए, छोले की स्टफिंग है उसके ऊपर, चटनी वगैरह और अदरक धनिया डाल रखा है, उसकी वजह से टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। टोटली डिफरेंट है जो कचौड़ी की सब्जी वाली खाते हैं उसके हिसाब से। अगर आप सोचेंगे कि वैसी कचौड़ी का टेस्ट है तो बिल्कुल अलग है, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करिए इधर आके, और आपको अच्छा लगेगा। गाइस हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब भी।